तो चलो आप लोगों को बता देता हूँ कितना कॉस्टिंग आया, मतलब MT न्यू V2 का फर्स्ट सर्विस का बिल। सो हेलो गाइस, मैं हूं अनिमेश, वेलकम टू माय YouTube चैनल एपी मोटर ब्लॉग्स। सो गाइस, आज का कंटेंट होने वाला है तो आप लोग टाइटल थंबनेल देख के पता चल गया होगा। तो आज चलेंगे नया MT जो वर्जन 2 है उसका सर्विस करवाने के लिए। इस वीडियो के लिए बहुत सारा कमेंट आया था, पिछले वाले जो सारे मैंने ब्लॉग अपलोड किया था MT वर्जन 2 के ऊपर, उसमें बहुत सारे लोग पूछे थे कि इस बाइक का फर्स्ट सर्विस कब वीडियो का आएगा, कब आएगा। सो फाइनली गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं और ग्रे भी जो है ऑलरेडी घर के नीचे आ चुका है, मतलब उसका बाइक को लेके, और मैं जाऊंगा क्योंकि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि MT वर्जन 2 लेने के लिए तो कितना सर्विस कॉस्ट आएगा, कितना क्या मेंटेनेंस है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कर देना, अगर मेरे चैनल नए हो तब लोग पता ही क्या करना पड़ेगा, चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब करो और सारा जो इन्फॉर्मेशन है मैं इस वीडियो में दूंगा गाइज, तो वीडियो जरूर एंड तक देखना। सो चलो नीचे चलते हैं, ग्रे जो है बाइक लेके नीचे आ चुका है और आप लोगों से डायरेक्ट मिलता हूँ मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पर। तो गाइज, ये है नया Yamaha MT वर्जन 2, इसका आज फर्स्ट सर्विस होने वाला है। तो इसका ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत सारे ब्लॉग देख चुके हो, तो आज इसका होगा गाइज फर्स्ट सर्विस। आप लोगों को जो स्पीडोमीटर दिखा दे रहा हूँ कितना चला है बाइक, टोटल जो ऑर्डर है 1234 किलोमीटर चल चुकी है। तो ऑलरेडी गाइज, आप लोगों ने इस वाले बाइक के ऊपर माइलेज टेस्ट वीडियो, रिव्यू वीडियो, हाइट टेस्ट वीडियो, बहुत सारे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और आप लोगों से बहुत अच्छा खासा प्यार मिला मुझे। तो अभी ये बाइक जो है गाइस फर्स्ट सर्विस का टाइम हो चुका है और बहुत सारा कमेंट भी आया था फर्स्ट सर्विस के लिए। तो फाइनली आप लोग इतने दिन से वेट कर रहे थे इस वीडियो के लिए, तो आज जा रहे हैं इस बाइक को फर्स्ट सर्विस करवाने के लिए। तो इस वीडियो पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि न्यू Yamaha MT वर्जन 2 का कितना सर्विस कॉस्ट आता है, फर्स्ट सर्विस में क्या क्या चेंज होता है और कितना किसका किसका कितना कॉस्टिंग आता है, वो सारे चीज़ आप लोगों को चल जाएगा। और मैं इस बाइक का सर्विस करवाऊंगा Yamaha के सर्विस सेंटर से, तो इस पूरा वीडियो में ज़रूर बने रहना। बाइक तो वैसे में एकदम साफ़ सुथरा है, उतना ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन अगर प्रॉब्लम की बात करूँगा इस, तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है ना वो हैंडल है, हैंडल थोड़ा जो है गाइस हार्ड हो चुका है और एक तरफ खींचने लगता है, थोड़ा इसको जो है एडजस्ट करवाना होगा। एंड रियर जो ब्रेक है गाइस, रियर ब्रेक जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पे थोड़ा एक नॉइज़ आ रहा है, पता नहीं क्यों एक साउंड कर रहा है जब हम लोग रियर ब्रेक यूज़ कर रहे हैं, वो भी बताना होगा। एंड रियर जो टेल लैम्प है वो भी थोड़ा हिल रहा है, लेकिन थोड़ा इस पर दिक्कत देखिए, जो रियर से जो टेल लैम्प है ना गाइस वो थोड़ा हिल रहा है, पता नहीं कि जैसे देख पा रहे हो, ये दिखाना पड़ेगा। तो इस बाइक का फर्स्ट सर्विस होता है 1000 किलोमीटर पर, तो बाइक तो उससे भी ज़्यादा चल चुका है, मतलब 12000 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुका है, तो इसलिए सोचे कि फर्स्ट सर्विस करवा ले। और एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जब हम लोग बाइक को ख़रीदे थे ना उस टाइम पे थोड़ा बाइक जो है रफ चलता था, फिर स्मूथ हो गया था, लेकिन अभी फिर से बाइक पता नहीं क्यों बहुत रफ चलता है, मतलब गियर क्लच थोड़ा जो है रफ, मतलब लगता है कि बाइक जो है थोड़ा जाम जाम चल रहा है गाइस, वो भी दिखाना पड़ेगा। चेन क्लीन चेन लूप होगा ये तो पता ही है, और क्या क्या होता है चलो देखते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, आप लोग तो पूरा वीडियो देख के जाओगे तो सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा इस वाले वीडियो पर। अगर आप लोग ख़रीदने का सोच रहे हो तो एक आइडिया आ जाएगा कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आता है। और गाइस, इस बाइक का जो लीवर है ना लेफ्ट साइड का, जैसे लीवर भी टूट गया है, मतलब बाइक एक बार क्रैश हो चुका है ऑलरेडी, मतलब इस बाइक का जो ओनर है उसने गिरा दिया था इस बाइक को, तो इस लीवर को भी चेंज करेंगे हम लोग। और इस बाइक को ना गाइस ट्रैफिक कंडीशन में चला के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फिकेबल है, क्योंकि आप लोगों को एलुमिनियम स्विंग अप मिलता है अभी इस वाले मॉडल पे, होता आप लोगों को पता ही है, और ऊपर से नेकेड बाइक है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ट्रैफिक कंडीशन में चला के। और उतना ज़्यादा ना बाइक हीट भी नहीं होता है, लिक्विड कूल्ड इंजन है। अभी हम लोगों को इधर पे गाइस बहुत ही ज़्यादा धूप है, जैसे आप लोग देख पा रहे हो बहुत ही ज़्यादा धूप है। और इसका तो आप लोग पता ही है कि MT का जो शॉर्ट पिकअप है, जो टॉर्क है, वो क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा, और उतना ज़्यादा अभी तो भगा नहीं पा रहे थे क्योंकि फर्स्ट सर्विस नहीं हुआ था, तो अभी तो फर्स्ट सर्विस ही हो जाएगा आज, तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि एक स्पीड टेस्ट वीडियो बनाऊँ, अगर आप लोग कमेंट करोगे कि इस वीडियो को आप लोग देखना चाहते हो तो ही हम लोग बनाएंगे एक
स्वीट टेस्ट वीडियो, नहीं तो नहीं। और मैं ऑलरेडी इस बाइक के ऊपर गाइस माइलेज टेस्ट वीडियो कर चुका हूँ। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इसके बाद एक माइलेज टेस्ट वीडियो देखना चाहोगे तो कमेंट करो और एक वीडियो बना देंगे और देखेंगे कि फर्स्ट टाइम इसके पहले कितना आता था और फर्स्ट सर्विस के बाद कितना डिफरेंस आया है इस बाइक के ऊपर। जैसे कि पता ही आप लोगों को, जो फर्स्ट सर्विस होने के पहले जो बाइक है बहुत ही ज़्यादा इतना ज़्यादा फ्री नहीं रहता है, मतलब फ्रंट ड्रिस रियर ड्रिस जो है वो जाम रहता है और उतना ज़्यादा बाइक फ्री नहीं होता है, तो उसके लिए माइलेज जो है गाइस कम आता है फर्स्ट सर्विस के पहले। और फर्स्ट सर्विस के बाद जो माइलेज निकल के आता है वो एकदम एक्यूरेट माइलेज है जो आप लोगों को मिलेगा। तो अगर देखना चाहते हो कॉमेंट करो तो बना दूंगा। और इस बाइक को लेके आप लोग रेगुलर कम्यूट भी कर सकते हो क्योंकि इसका माइलेज भी अच्छा है और ट्रैफिक कंडीशन में बहुत इजीली आप लोग इसको हैंडल कर सकते हो। हैंडलिंग अच्छा है, नेकेड है, किसी भी गैप से निकल जाता है और ऊपर से आप लोगों को पता ही है कि यामा का स्मूथनेस पावर इसकी तो कोई बात ही नहीं है। और लुक भी इस बाइक का बहुत अच्छा लगता है जब ये बाइक चलती है ना, क्योंकि फ्रंट में आप लोगों को प्रोजेक्ट एलईडी लैंप मिलता है और गोल्डन सस्पेंशन और ये जो कलर है वाइट मैट फिनिश है, इसके वजह से तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है जब ये बाइक रोड पे चलता है। तो गाइस चलो फाइनली आ गए हम लोग यामा की सर्विस सेंटर पर। Few minutes later. एक जो है अभी अंदर जा रहा है सर्विस के लिए। One eternity later. So guys, बाइक देखने के बाद बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हम लोग जो है घर पे आ चुके हैं, अभी लंच करेंगे, फ्रेश होंगे, फिर हम लोग जाएंगे बाइक को पिकअप करने के लिए। जब बाइक का काम हो जाएगा हम लोग कॉल करेगा, उसके बाद भी हम लोग जाएंगे क्योंकि उधर पर रुक के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने पूछा कि अंदर में शूट करना अलाउ है या नहीं, तो मुझे गाइस सभी सेंटर के अंदर शूट करने के लिए परमिशन नहीं मिला गाइस। लेकिन तो वीडियो में बता दूंगा कि किसका कितना प्राइस आया और सर्विस में क्या क्या चीज़ हुआ, सर्विस होने के बाद बाइक में कुछ चेंजेस आया कि नहीं वो सारे बताता हूँ। तो चलो फ्रेश हो लेते हैं, लंच कर लेते हैं, सभी से कॉल आएगा तो हम लोग जाएंगे बाइक को पिकअप करने के लिए। तो सर गाइस आप लोगों से टाइम में मिलता हूँ सर्विस सेंटर पे। तो चलो गाइस फाइनली बाइक का सर्विस जो है वो हो चुका है, अभी हम लोग निकल जाएंगे इधर से। तो गाइस बाइक फर्स्ट सर्विस हो जाने के बाद से जो साउंड है ना, मतलब पहली बात यही है कि बाइक का जो साउंड है वो चेंज हो चुका है क्योंकि मोबाइल भी चेंज किया हम लोग। तो किसका किसका कितना बिल आया वो तो गाइस घर पे जाके ही आप लोगों को बताएंगे, लेकिन अभी राइडिंग क्वालिटी की बात करें तो गाइस बहुत ही ज़्यादा बाइक जो है ना स्मूथ हो चुका है पहले से, और हैंडल का भी काम हुआ है तो हैंडल जो है गाइस एकदम प्रॉपर, कुछ दिक्कत नहीं है। और अभी ब्रेक करके भी देख लिया, ब्रेकिंग में भी कोई भी साउंड नहीं आया क्योंकि गाइस जो डिस है ना उसमें धूल मिट्टी जाने के लिए वो साउंड आता है, मैंने पूछा क्यों वो साउंड हो रहा था, तो धूल मिट्टी जाने की वजह से साउंड हो रहा था। तो जो डिस पैड है उसको खोल के थोड़ा घिस दिया, जिन से काम बन चुका है। और साउंड सुन सकते हो, साउंड बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है, जो गियर क्लच वगैरह है एकदम पहले की तरह ही स्मूथ। और लीवर भी चेंज कर ले, इस लीवर का प्राइस आया है कुछ 160 रुपीज़। सबका प्राइस मुझे याद नहीं है, मैं बिल देख के आप लोगों को घर पे जाके फिर बताता हूँ किसका कितना कॉस्टिंग आया। और दोनों ब्रेक क्या मस्त हो, एकदम न्यू जैसा हो गया है, जो नया लेने के टाइम पे जैसा था अभी एकदम सेम टू सेम, क्या मक्खन की तरह हो गया है बाइक। तो भाई जो सारा जो प्रॉब्लम्स था वो सब कुछ एकदम सही हो गया, और अभी बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो अभी चल रहे हैं उसके लिए जल्दी जल्दी घर की तरफ। सर्विस करवाने के बाद ना गाइस पता चलता है कि बाइक का काम हुआ है। तो चलो घर चलते हैं, फिर आप लोगों को बताता हूँ किसका कितना कॉस्टिंग आया है।
तो गाइस सर्विस हो जाने के बाद वॉश फॉश हो गया है, तो जैसे देख पा रहे हो बाइक कितना चमका रही है अभी। तो चेन क्लीन एंड चेन लूबिंग भी जैसे देख पा रहे हो वो सब कुछ हो गया, जो धूल मिट्टी अभी चलो टाइम आने के टाइम पे हुआ है। तो चलो आप लोगों को बता देता हूँ कितना कॉस्टिंग आया, मतलब एमटी न्यू V2 का फर्स्ट सर्विस का बिल। तो गाइस ये जो फर्स्ट चेंज हुआ है इस मोबिल बाइक का, ये हमारा जो ओरिजिनल मोबिल है वही डाला है इस बाइक में। तो उसका प्राइस आया कुछ 415 रुपीज़। और सेकेंड जो काम हुआ है ये फ्री सर्विस है, तो इसके लिए कुछ भी प्राइस नहीं आया। हुआ है इस चेन क्लीनिंग एंड चेन लूबिंग, तो उसका प्राइस आया है 190 रुपीज़। तो टोटल जो कॉस्टिंग आया जैसे देख पड़े इधर पे 714 रुपीज़ का टोटल बिल है। और ये जो है गाइस ये रिपोर्ट है बाइक का, सारे जो चीज़ है उसका रिपोर्ट सब कुछ एकदम ओके है। ये भी इंस्पेक्शन की हिस्ट्री है। तो गाइस अगर आप लोग इस बाइक को ख़रीदते हो और अगर फर्स्ट सर्विस करवाते हो तो 1000 के नीचे ही आप लोगों को बिल आएगा, क्योंकि उतना ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। मतलब चेन क्लीन चेन लूबिंग होता है, मोबिल चेंज होता है और जनरल चेकअप होता है, तो ये सब करके बिल आया है गाइस कुछ 700 रुपीज़। तो गाइस यही था आज का वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा जरूर एक लाइक करके जाना। अगर मेरे चैनल में नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर कुछ क्वेरी रहेगा तो ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। सो चलो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो पर। सो बाय।